हेलो गाइस, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके हो कि मेरी आज की वीडियो इस टॉपिक पर बेस्ड है, ना कि ठंड की रातों में आप अपने पैरोट को किस जगह पर और कहां पर रखोगे, ठीक है, ताकि वो बहुत ही इजीली सरवाइव कर सकेगा। और क्या होता है ना कि बहुत बार ना हमारी लापरवाही से पैरोट के डेथ तक हो जाता है अगर आप उनकी अच्छी तरीके से केयर नहीं करते हो तो। तो गाइस देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि आप किसी भी पैरोट को या किसी भी अदर बर्ड्स को अपने केज में बंद करके रखो। अगर मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि ठंड के दिनों में आप उन्हें केज में रात भर बंद करके रखो और सुबह निकाल लो, और आप बंद करके इसलिए गाइस रात में रखोगे क्योंकि रात भर अगर आप उन्हें बाहर छोड़ दोगे ना तो क्या होगा ना कि वो सारे रूम में चलते हैं, ठीक है। और अगर आपका घर पक्के का या टाइल्स का या मार्बल का है ना, तो उसके ठंडेपन से ना उन्हें पैरालाइज होने के चांसेस बढ़ जाती है। तो अच्छा होगा कि आप रात भर उन्हें केज में रख लो और सुबह बाहर कर लो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने ना सबसे पहले एक बोरा लिया है, ठीक है। ये जो बोरा है ना, ये प्लास्टिक का बोरा है, और ये बोरा का सबसे पहले मैं आपको यूज़ बता दूँ। इस बोरे को आप एक बार फोल्ड कर लोगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। अब इसके ऊपर मैं केज को रख दे रही हूँ, ठीक है। मैंने ये जो प्लास्टिक का बोरा नीचे इसलिए रखा है ताकि नीचे से कोई भी हवा नहीं जाए, ठीक है। आप अपने पैरोट के केज को ना जूट के बोरे से भी कवर कर सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखो आप जिस भी चीज़ से कवर कर रहे हो ना वो मोटा हो, ठीक है, ताकि जो ठंडी हवा है ना वो केज के अंदर एंटर नहीं कर सके, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे दो बोरा का यूज़ किया है, ठीक है। एक को देखो अभी मैंने कवर कर रही हूँ, टोटल दो बोरे का यूज़ करूँगी। तो लगभग मैंने दो बोरा का यहाँ पे यूज़ किया है, तो इससे क्या होता है ना गाइस कि बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी ठंडी हवा अंदर एंटर नहीं करेगी, ठीक है, जिसके कारण आपका जो तोता है ना उसको पैरालाइज होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे और वो बहुत ही इजली तरीके से सर्वाइव भी कर सकेगा इस ठंड में। गाइस हमेशा मेक श्योर हो कि आप जब पैरोट के केज को कवर करते हो ना किसी चीज़ से, तो हमेशा ध्यान रखो गाइस कि वेंटिलेशन के लिए भी थोड़ी जगह होनी चाहिए ताकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। तो देखो गाइस, जैसे कि मैंने थोड़ा सा ना जगह छोड़ रखा है केज की साइड में ताकि यहाँ से अच्छे से ऑक्सीजन जा सकेगी, और ये ऑक्सीजन जब सही से जाएगी ना तो मेरा जो पैरोट है, जो मेरा जो मिट्टू है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सांस भी ले सकेगा। और गाइस ये भी हमेशा आपको मेक श्योर रहना है कि रात के समय में आपको कोई भी पानी का कटोरा केज में नहीं रखना है। क्या होता है ना कि जब आप पानी का कटोरा केज में रख देते हो ना, तो ये जब पानी पीते हैं ना, पानी पीने के साथ साथ ये ना पानी को गिरा भी लेते हैं क्योंकि इन्हें उतनी समझ नहीं होती है। तो पानी के ठंडे बन से ना उन्हें पैरालाइज होने की चांसेस बढ़ सकती है, इसके साथ ही उनका हेल्थ भी खराब हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको पानी रात में केज में नहीं रखना है, ठीक है। देखो आप कहाँ पे रखोगे, मैं अपने मिट्टू को अपने बेड के नीचे रखती हूँ, ठीक है, मतलब कि ऐसे जगह पे रखनी है जहाँ पे गेट और खिड़की हमेशा बंद रहे। गाइस आई होप आपको मेरी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, शेयर भी कर देना। अगर आप ये चाहते हो कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइस आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो पर यहीं पे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुखी सलामत रहें। शुक्रिया, नमस्कार।